सो हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल एस जेड टेक्निकल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह का इमेज कैसे क्रिएट किया जाता है, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही ट्रेंडिंग में है। तो अगर आप भी इस तरह के इमेज को क्रिएट करना चाहते हैं तो जुड़े रहे हमारी वीडियो के साथ, और मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से इस इमेज को क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को कहीं से भी मिस नहीं करना और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। तो व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो व्यूअर्स, आपने करना क्या है, यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद व्यूअर्स, आपने करना क्या है, यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है BING, और इस ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने गाइज इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। देन कुछ इस तरह से ओपन करने के बाद व्यूअर्स, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, इमेज क्रिएटर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इमेज क्रिएटर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, अपना प्रॉम्प्ट ऐड कर लेना है। जिस भी प्रॉम्प्ट से आप अपनी इमेज को क्रिएट करना चाहते हैं वो प्रॉम्प्ट आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो व्यूअर्स, मैंने ऑलरेडी कोई प्रॉम्प्ट जो है ना कॉपी किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। प्रॉम्प्ट ऐड करने के बाद व्यूअर्स, आपने करना क्या है, यहाँ से नेम चेंज कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम टाइप किया हुआ जफर, तो आपने यहाँ से नेम चेंज कर लेना है। मैं कुछ इस तरह से यहाँ से नेम चेंज कर लेता हूँ, जफर नेम को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं शहजाद टाइप कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से नेम चेंज करने के बाद व्यूअर्स, आपने करना क्या है, यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है येलो कलर, तो आप यहाँ पे कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि यार ये कलर हमारी इमेज के लिए अच्छा लगेगा, तो आप उस कलर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो कलर ऐड करने के बाद व्यूअर्स, आपने करना क्या है, यहाँ से क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। देन कुछ इस तरह से, तो क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे इमेज जो है ना वो कुछ इस तरह से एडिटिंग में चला गया। तो कुछ ही सेकंड बाद हमारे इमेज जो है ना वो एडिटिंग होके आ जाएगा हमारे स्क्रीन पे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे इमेज जो है ना वो कुछ इस तरह से एडिटिंग होके आ गया हमारे स्क्रीन पे। तो व्यूअर्स, आपको लगता है कि इसमें ये कलर चेंजिंग होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया येलो, तो आप इसमें कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पे कलर ब्लू ऐड कर लेता हूँ। तो व्यूअर्स, कलर ऐड करने के बाद आपने करना क्या है, फिर से क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन कुछ इस तरह से, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारा इमेज जो है ना वो कुछ इस तरह से एडिटिंग होके आ गया। तो यहाँ से अपनी इमेज को डाउनलोड करना है, तो आपने जिस भी इमेज को डाउनलोड करना है आपने करना क्या है, उस इमेज पे क्लिक कर देना है। देन कुछ इस तरह से इमेज पे क्लिक करने के बाद व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड पे आपको थ्री डॉट का ऑप्शन नज़र आ गया है, तो आपने करना क्या है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद व्यूअर्स, आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आपने इमेज को डाउनलोड कर लेना है। तो व्यूअर्स, इस इमेज को क्रिएट करने के लिए जो प्रॉम्प्ट मैंने इसमें ऐड किया है, तो वो प्रॉम्प्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।